नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पेरेंटिंग इंडिया में। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बच्चों को कैसे बनाएं स्मार्ट। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं हमारे बच्चे स्मार्ट बने, पर स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें ब्रांडेड कपड़े पहना दें, ब्रांडेड शूज़ पहना दें। स्मार्ट होने का मतलब है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल पेरेंटिंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। बच्चों को स्मार्ट बनाने की टिप वन है, अगर आप अपने बच्चों को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो उन्हें इनकरेज करें, मोटिवेट करें। वह जो भी कुछ अच्छा काम करें, चाहे वह काम कितना ही छोटा क्यों ना हो, उनकी तारीफ़ करें। सिर्फ पढ़ाई पर ही उनकी तारीफ़ ना करें। अच्छे मार्क्स आने पे तो सभी तारीफ़ करते हैं, पर और भी वो जो एक्टिविटी करते हैं उसमें भी खुले दिल से उनकी तारीफ़ करें। टिप नंबर टू, बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप करें। रीडिंग बच्चों के मेंटल लेवल का बहुत विकास करती है। रीडिंग में आप कोई एक बुक ले लें, उस बुक में कोई स्टोरी ले लें, कोई एक अच्छी स्टोरी जिसका एक कैरेक्टर आप खुद बन जाएं और दूसरा बच्चे को बना दें। फिर एक कैरेक्टर के डायलॉग आप बोलें और दूसरे कैरेक्टर के डायलॉग बच्चे से बुलवाएं। इससे बच्चे में बोलने की आदत भी बनती है और बच्चे को अच्छे से बात करना भी आता है और आपका बच्चा स्मार्ट बनेगा। टिप नंबर थ्री, बच्चों को आउटडोर गेम खेलने के लिए इनकरेज करें। हाँ, इस उम्र में बच्चों के शरीर में बहुत एनर्जी होती है। आउटडोर गेम से वह एनर्जी सही दिशा में लगती है, जिससे उनका शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। टिप नंबर फोर, बच्चों को ज़्यादा टीवी व मोबाइल ना देखने दें। बच्चा आपको ही देखकर सीखता है। अगर आप ज़्यादा टीवी देखती हैं तो बच्चे को ऐसा करने से नहीं रोक सकती, इसलिए अपने आप पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके बच्चे का टीवी कम देखना उसके मानसिक विकास का बहुत बड़ा कारण बनेगा। टिप नंबर फोर, बच्चे से खूब बातें करें। बच्चों के मन में इस उम्र में कई सवाल होते हैं, वह हर सवाल का जवाब चाहते हैं, और आप अगर उसका जवाब देती हैं तो उनको सही दिशा मिल पाती है, वरना वह इन सब सवालों का जवाब इधर उधर घूमते हैं और लोग उन्हें भटकाते ही हैं। इसलिए अपने बच्चे से खूब बातें करें। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं, और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट द्वारा बताएं। नमस्कार दोस्तों।